अर्चना जी, what is this? नहीं, ये मतलब सोफा कम था जो आपने सोना भी इधर शुरू कर दिया. सिद्धू जी का इतना डर आपको? ओए चलो चलो भाई साहब, सुनो सुनो सुनो. सबसे पहले ना टीवी चला दो, कपिल शर्मा शो शुरू हो गया होगा. और साथ में ना एक दाल मखनी और चार बटर नान. जल्दी बटर नान में टाइम लगेगा. थप्पड़ नान रेडी है चप्पल की चटनी के साथ. तुम लोगों का यार क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी लगा रखी है. मालिक को बोला आपने? चलो मालिक को बोला. मालिक मतलब कौन? मालिक कपूर शर्मा. मैं हूं यहां का मालिक. वो तू खुद को शीशे में देख के ना तीन चार बार मालिक मालिक बोल. तेरी हंसी ना निकल के फिर कहना. ये तेरी हिम्मत कैसे हुई ढाबा यहां तक बढ़ाने की? आपने नहीं शो यहां तक बढ़ा दिया. याद करो आप पहला एपिसोड करने के लिए यहां पर आए थे, बड़ा बड़ा अगर आपने 80 एपिसोड कर दिए. वाह, तूने जो लॉजिक दिया ना मेरे को, मुंह देखो इसका. तुझे मारने का भी दिल नहीं कर रहा, तेरे पिट्टे पर फोन नहीं मारनी मैंने. कितना घटिया लॉजिक दे रहा है ये बंदा. चलो निकलो. क्या भाई साहब, एक मिनट. चलो 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 हटाओ हटाओ हटाओ. चलो चलो निकलो यहां से. बता रही एक तो कपड़े सूखने डालने चाहिए इन लोगों को. कपड़े सूखने नहीं डालने. बदतमीज आदमी. अब बता कौन सा मालिक तू है? कोई बात नहीं कपूर शर्मा, जलता तो तेल और बाती भी है रोशनी के लिए, लेकिन लोग कहते हैं दिया जल रहा है. ओ मेरे भाई, तुझे तुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं तेरा दोस्त नहीं. तेरे को क्या चाहिए बता? तुम यार दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम? शोषण करके रखा हुआ मेरा इधर. शोषण? अर्चना जी, सन 2002 में मैं 100 रुपए का छुट्टा लेने के लिए इसके पास गया था. अच्छा? मुझे कहता छुट्टा बाहर में देंगे, सबसे पहले ये बता 100 रुपए तेरे पास आया कहां से. और जो बंदा 17 साल से ऐसी बातें सुन रहा हो उसका विकास हो सकता है. और इसने आज तक नहीं बताया कहां से आ रहा तेरे पास. मेहनत किया कर, तुझे ढाबा खोल के दिया ना. तू सो चलाने की बजाय फैलाता जा रहा है. तू फैला, मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जगह भी छोटी पड़ने वाली है जिस हिसाब से मेरी प्लानिंग है. तुम मेरी अगली बात सुनो. अगली छोड़, तेरी जिंदगी की जो लास्ट बात है वो कर और निकल. चल चल निकल. कपूर शर्मा, निकलेंगे तो लोग अपने घर से मेरे ढाबे पर खाना खाने के लिए, क्योंकि आज के बाद चंदू के ढाबे पर खाने के साथ साथ ग्लैमर भी परोसा जाएगा. ग्लैमर? मैंने रिसेप्शनिस्ट रख लिया है. रिसेप्शनिस्ट? हाँ. जो दोबारा बोल, क्या रखी तूने? मैंने रिसेप्शनिस्ट रखी है. हाय हाय बोल दिया. लोग खाना बाद में खाएंगे, पहले टिप देंगे. एक्सक्यूज मी, चंदू सेठ का ढाबा यही है क्या? यस यस, आई एम चंदू सेठ. आप चश्मा लगाती हैं? नहीं. लेंस वगैरह? नहीं. तो लगाया करो, ये सेठ कहां से दिखता है? कपूर शर्मा चलो, मेरा स्टाफ देखो, जिस बंदे ने व्रत भी रखे होंगे ना वो अपना व्रत तोड़कर मेरे ढाबे पर खाना खाएगा. वेल, व्हाट्स योर नेम ब्यूटी? माई सेल्फ मिस स्वीटी. माई सेल्फ इज टीटू. आओ मिलकर सोनी की टीटू की स्वीटी बनाते हैं. अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आने में इतनी देरी क्यों लगा दी? वो सर एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड कर रही थी. हैशटैग स्टार्टिंग माय न्यू जॉब, हैशटैग चंदूस ढाबा. ये क्या है? चंदूस ढाबा, द चंदू ढाबा बोलो, जैसे इसका शो है द कपिल शर्मा शो. नाउ मेरी अपॉइंटमेंट्स के बारे बताओ. सुनो, एक बंदा आएगा राम सेट करके, जैसे वो आए अपने बॉस का पजामा उतार के उसको वापस कर देना. किसके चक्कर में फंसी हुई है तुम? कल को तुम्हें कोई पूछेगा कहां जॉब करती थी,
चंदू का डब्बा, कोई कंपनी होनी चाहिए, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। नहीं सर, मैं काम करूंगी तो चंदू सेठ के साथ। और वैसे भी यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, इनके यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, तो लाइफ में रिलैक्स रहेगा। सुना तूने? सुना ये कहाँ से ढूंढ के लाया अपने जैसी फीमेल चंदू तू? मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं समझ गई, इनका कहने का मतलब है कि मैं आपसे भी गई गुजरी हूँ, है ना? वाह, ये तो बेइज्जती प्रूफ भी है। बेइज्जती फीलिंग नहीं होती इनको। ओए मेरी बात सुनो, ऐसी बातें इग्नोर किया करो, ठीक है? तुम्हारा मेन काम है ढाबे पर जो कस्टमर आए उन पर ध्यान रखना है, ठीक है? स्वीटी अब तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है? मान लो मैं कस्टमर हूँ, ये बताओ डील कैसे करोगी? ठीक है सर, तो वेलकम टू चंदू ग्रुप ऑफ शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। वी हैव एन ऑसम हॉस्पिटैलिटी। मेरी बात सुनो, तनख्वाह मुझसे ले रही हो, ध्यान तुम हॉस्पिटल का रख रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोफेशनल डील कैसे होती है। okay. सीखो उस्ताद जी से कुछ। जी सर। एक काली दाल ले, पीली दाल ले, हरी दाल ले, आलू मटर ले, आलू गोभी ले। सर हा? लोग यहाँ खाने आएंगे कि हमें रेडी लेके गली गली बेचने जाना होगा? एक तो मेरे सामने कॉमेडी बिल्कुल नहीं करनी तुमने, ये बताओ ढाबे के लिए क्या कर सकती हो तुम? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई विल टेक केयर ऑफ प्रॉपर हाइजीन। ना ही हाइजीन ना लो जीन, मैं खुद इधर पजामा पहन के आता हूँ। तुम एक काम करो, अंदर जाओ और दाल को तड़का लगाओ, चलो। वाह सर, क्या बात बोली, अंदर जाके दाल को तड़का लगाओ। आई एम योर फैन सर, मैं आती हूँ सर। वेरी गुड। अर्चना जी, भगवान का शुक्र है कोई मुझे समझने वाला आया, अब मैं बनूंगा टाटा। ओए टाटा, ये जो तूने इतनी इंटेलिजेंट लड़की रखी ना, तू इधर माँ की दाल बेचता रहेगा, ये तेरी दाल की माँ बेच जाएगी। निकाल यहाँ से, चल उठा यहाँ से। क्या उठा, मेरा भी इस मोहल्ले पर उतना ही हक है जितना आप लोगों का है, ये मोहल्ला चंदू का भी है। ओ बच्चा, चढ़ जा इसके ऊपर, चढ़ जा। दुनिया जानते हैं कि ये मोहल्ला हमारा है और हम हैं इस मोहल्ला के बच्चा यादव। ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो बच्चा? हाँ तो बच्चा है तो बच्चों वाली बात करेंगे ना यार। और गलती से अगर हमने दादा वाली बात कर दी ना, तो यहाँ खड़े खड़े कहीं तुम्हारा पोता ना निकल जाए। अपना ये ढाबा इतना फैलाने का जरूरत नहीं है, चलो उठाओ और निकलो। वाह, बोल देखो कौन रहा है जो खुद खा खा के ले से लद्दाख तक फैला हुआ है। बच्चा मेरी बात सुनो, आओ बैठ कर बात कर लेते हैं। ना, बैठ के जो करते हैं वो सुबह सुबह करके आए हैं हम। और दोबारा हम करेंगे नहीं, क्योंकि दिन में दो बार हमसे बैठा जाता नहीं। बच्चा तुम ना गुस्से में ना बड़े क्यूट लगते हो। लड़कियां भी हमें ऐसा ही कुछ कहती हैं। अबे वो चापलूसी कर रहा है तेरी, नहीं तो तुझे नहीं पता तेरा मुंह कैसा है। कौन चापलूसी नहीं करता इधर, मुझे ये बताया जाए। नॉर्मल सी बात होती है, अर्चना कैसे फेफड़े पार फाड़ कर हंसती है। ये सोनी टीवी की चापलूसी नहीं है। तुम दिनेश और पांडे को कितना कुछ बोलते हो, वो आगे से हंसकर कर देते हैं। ये चापलूसी नहीं है। माय लॉर्ड, मुझे बताया जाए कौन चापलूसी नहीं करता इधर। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सामान उठाओ, निकलो यहां से, निकलो। बच्चा चार दिन की तो बात है यार। ये चार दिन वाली बात तो मानना ही मत, ये चार दिन का बोल के बैठी थी। आज तो अगला तो चेहरा आ गया, मानना मत। मेरी बात सुनो बच्चा, बात समझने वाली है। आज ढाबे में जगह बढ़ी है, कल को कस्टमर बढ़ेंगे, तुम सोचो मैं पनीर कहां से लूंगा? कहां से लोगे? बाहर से लूंगा, क्योंकि तुम्हारा पनीर तो घटिया होता है ना। ए चांदू, मेरा पनीर घटिया हो ऐसा हो नहीं सकता। और कोई मेरे पनीर को घटिया बोल दे ऐसा मैं होना नहीं दूंगा। ओए बच्चा, अभी तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? धमकी दोगे हमको? मैंने क्या हमको धमकी दोगे? एक बात याद रखो यार,
चूजा कितना भी दाना खा ले भैंसिया से ज्यादा गोबर नहीं कर सकता। चूजा नहीं कर सकता, तू तो करता है ना। ये इसने बोला मेरे को कि ऐसा तेरे बारे में बोलता है, इसने एक गांव लेके रखा वहां पे जाके करता है ये सब। बोलता है रेजिडेंशियल एरिया में ये सब पॉसिबल नहीं है, ये बोला इसने। बस अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, सभा यहीं पे समाप्त हुई, तख लिया। यार मेरी बात सुनो, ये बात तो तुम नॉर्मल भी बोल सकते थे, ये राजा बनने की क्या जरूरत है, तख लिया। ऐसा गरीब चेहरा हमारे सामने आता है ना तो हमारे अंदर का राजा जाग जाता है। क्या करें, देखो हम 10 तक गिनती करेंगे, अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। निकलो। टिक टिक 5। ये क्या टिक टिक 5, पहले 1 से 4 तो बोलो। 4 पहले ही बर्बाद कर चुके हो तुम। टिक टिक 10, सारे बर्बाद हो गए। निकलो अब, निकलो सामान लो, निकलो। मेरी बात सुनो यार। अरे क्यों बात, सर मैंने ढाबे के पूरे अरेंजमेंट्स देख लिए। वेरी गुड, शाबाश। ये वाला अरेंजमेंट कब हुआ भाई? हेलो सर, वेलकम टू द चंदूज ग्रुप ऑफ ढाबा। बच्चा काम डाउन, बच्चा अभी इस मल्टीपल चुम्मियों वाली लड़की को इसके साथ निकालो, दबा करो इनको। हम बात कर रहे हैं ना। चंदू जी को यहां से निकालने का हक आपको किसने दिया कपूर शर्मा? कपूर शर्मा जी आप अपना एक कपूर शर्मा सो लीजिए, साथ में अपने ताऊ जी को पैक कीजिए और हमारा ये मोहल्ला छोड़ के निकलिए आप। तो चंदू जी आप क्या बता रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट है आपकी है? हाँ जी, आपने तो अपने मोहल्ले में हमें जगह देनी नहीं बिजनेस करने के लिए, हम कहीं और जाकर बिजनेस कर लेंगे। अरे अरे कौन बोला हमसे ना हो पाएगा। अरे चंदू जी जगह दिल में होनी चाहिए, दिल में जगह होती है ना तो मोहल्ले में बन जाती है। हाँ अरे ये सब यहाँ से सारा सामान वामान हटा देंगे। अरे दिनेश ये अपना ये पांडे वांडे सबको बाहर कर देंगे, सारी जगह आपकी। देखिए आप और आपकी रिसेप्शनिस्ट यहीं पे रहेगी इस मोहल्ले में। बच्चा देख लूंगा तुझे, लड़की आते ही पलट गया ना तू। इधर आइए। तो बताइए करती क्या है आप? सर मैं फेसबुक चला लेती हूँ, इंस्टा चला लेती हूँ, टिकटॉक भी चला लेती हूँ। उम्मीद करते हैं कि हेलमेट पहन के चलाती होंगी। वैसे हम भी कमाल का चलते बच्चा साहब, ढाबे के लिए मैं जगह फाइनल समझू ना? ये जगह दे दें? दे दीजिए ना सर। दे दी। जाओ गरीब आदमी, तुम्हें जगह दे दी। तो जरा सुनिए तो आप। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मैंने जी तुम कब आ गई? 13 साल पहले 7 फेरे लेके अपने मम्मी डैडी का आशीर्वाद लेके, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये कब आई। ये नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस जरा सा टहलने निकले थे। टहलने भाभी, ये टहलनी रहा था, ये कान में वो हवा वाली किसी होती ना, ये वाली वो अंदर तक गई है, फाइनल स्टेज है, घर टूट जाते हैं एक चुमियों से। ये क्या बात हुई, आप कपू शर्मा को किस कर रहे थे? मुझे नहीं कर रहा था, उस लड़की को कर रहा था। वो इसके इसके पेट से घूम के देखो, उधर एक लड़की खड़ी है। लड़की को कर रहा था? हाँ। फिर ठीक है, ऐसे मेरे को डरा दिया, लड़की
को कर रहा था, कोई बात नहीं। भाभी क्या ठीक है? वो लड़की के चक्कर में सारी जगह इसने चंदू को दे दी है। हैं? ऐसे कैसे जी? मेरे बच्चों का हक इस सुशुंदर के नाम कर रहे हो? भाभी तुम्हारे कहने का मतलब मैं सुशुंदर लगता हूँ? सर आई थिंक इन्होंने सुशुंदर मुझे कहा है, आप तो नेवला लगते हैं, नेवला सोच बेटर सर। 15 मिनट तुम्हें हुए नहीं आए हुए, 1 साल की सैलरी कटवाने वाली बात कर दी है तुमने। कितनी बार कहा चुप रहा करो। बच्चा तुम जगह देने का वादा कर चुके हो। वादा? अंदर चलो, वादा मैं फाड़ती हूँ आपका। अरे अपने पति से कोई इस तरह बात करता है क्या? तो अपनी पत्नी के होते हुए कोई ऐसी हरकत करता है? छी छी छी, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं तो बच्चा मैंने आज फाड़ देना तेरा कच्चा। भाभी बच्चा के साथ हमारी डील चल रही थी। मेरी बात सुनो, इसको कंट्रोल करो भाभी। अच्छा ये कल की लड़की अब हमारी भाभी को कंट्रोल करेगी? मतलब ये सब सुनने से पहले ये सबके सब मर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं कर सकती? हर किसी का पहला दिन होता है, करो कंट्रोल करो करो करो। उसका पहला दिन है, कहीं ऐसा ना हो बच्चा जी कि आपका आखिरी दिन हो जाए। सुनो जी, बहुत दिन हो गए मैंने आपको पटक पटक के नहीं मारा। मैं तो पता है तितली, हम मजाक कर रहे थे। इतना ही मजाक कर लेते हो तो सोनी टीवी में आपके नाम का शो क्यों नहीं आता, उनके नाम का क्यों आता है? हैं? सुनो जी, जो आप अंदर से अपने जॉक्स के पटारे निकालते हो ना, आओ अंदर चलो, आपका पटारा तसल्ली से तोड़ती हूँ। आइए आइए चलिए, तेरे को तो मैं देखती। अंदर चलो, चलो अंदर, हाँ चलो अंदर, अंदर चलो। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरे साथ मिलकर इधर हजारपति बनना है ना। सर हजारपति नहीं, करोड़पति होता है। मुझसे लखपति नहीं बना जा रहा, तुम करोड़पति सोची जाओ। अगर मेरे साथ मिलकर तुम्हें इधर हजारपति बनना है ना, तो इन सब बातों को सुनने की आदत डाल लो, ठीक है? और इधर पक्की होना है तो सिर्फ मेरी बात सुननी है, ठीक है? ओके सर। पक्की? पक्की तो इस सिपकली को मैं करती हूँ। भाभी आज मेरे हाथ से किसी ने बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है भाभी। भाभी तोड़ भाभी, तोड़ तोड़ भाभी, तोड़ 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 इसको मार, टांगों पे मार भाभी, मार भाभी टांगों पे मार। हाँ भाभी बच्ची है, भाभी ने भाभी स्वीटी भागती रहो भागती रहो, ये हमारे एपिसोड का एंड है, हमारा एंड नहीं है, भागती रहो भागती रहो। अच्छा जी, आज हमारे यहाँ जोया फैक्टर की स्टार कास्ट आने वाली है, उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जो आजकल बहुत ही हटके फिल्में कर रही हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड सोनम कपूर आहूजा एंड साथ में वेरी टैलेंटेड वेरी हैंडसम दुलकर सलमान। वेलकम, वेलकम जोरदार तालियां सोनम और दुलकर के लिए। सोनम आप कसम से आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। शादी के बाद लड़कियां और खूबसूरत हो जाती हैं ना। लड़कों को क्या होता है? लड़के दास दादा जैसे हो जाते हैं। अच्छा इनकी शादी जो है ना मेरे डैड के बर्थडे पे हुई थी। हाँ आई रिमेम्बर सो स्वीट ऑफ हिम, वो बर्थडे वाले दिन भी आए थे। हाँ बट सोनम नहीं आई थी। अच्छा मैं बताती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। पर इनके वेडिंग कार्ड पे लिखा था कि 8 बजे प्लीज आ जाना उनके रिसेप्शन के लिए, तो मेरे डैड लाइक अ गुड बॉय उनके बर्थडे के पहले 8 बजे चले गए उनके वेडिंग पे। ये तो खुद नहीं आया। ये जो दूल्हे हैं रेडी नहीं थे, अपने पजामा में बैठे थे, और उनकी जो ब्यूटीफुल वाइफ है शी वाज आल्सो नॉट रेडी, तो वो एकदम रूम में चली गई थी। अरे सर सीधे रूम में आ झका साड़ी वाले, मतलब सर ये व्हाट इज दिस, इतना टाइम पे कोई कैसे आ सकता है? मतलब 8 बजे का टाइम था, वो 7:55 पे आ गए। नहीं 8 बजे आए थे क्योंकि 9 बजे हमारा पार्टी जो होने वाला था,
But so sweet wo aaye. I love you Anil sir. Thank you Sonam. Dulkar, aap hamare show pe pehli baar aaye hain. Ji. How excited you are to meeting me? Extremely, kyunki meeting him. देखो अर्चना जी, हमारे साउथ के कितने बड़े स्टार हैं दुलकर, और आपको पता ही अभी थोड़े दिन पहले किच्चा सुदीप आए थे, फिर प्रभास आए, अभी दुलकर आए. साउथ में मेरा क्रेज देखो आप. पर आप अगर कहें आपकी मैं डोसे की रेडी लगवा दूं. I can't stand in this sari and laugh. दुलकर सोनम आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत फिट लग रहे हो. थैंक्स. कैन यू प्लीज रिपीट दिस लाइन? जो कपिल हैं वो बहुत ही फिट लग रहे हैं शादी के बाद. सोनम तुम्हारे चश्मे तुम घर बुलाई. बट आपको पता नहीं, आई एक्चुअली कम फॉर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एपिसोड, और वो एपिसोड से अब तक जमीन आसमान का फर्क है. सिर्फ मेरे में फर्क नजर आया, एक मंत्री जो खा गई है वो नहीं नजर आया. और कोई नहीं है आपके जैसे, वैसा भी कोई और नहीं है सर. दुलकर ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि कभी किसी ने ऐसे नाम गलत ना लिया हो आपका, है ना? क्योंकि रमेश सबको पता है कि रमेश. हाँ. सुरेश सबको पता है. लेकिन नेम को प्रोनाउंस ना. हाँ. जी. और एक पिक्यूलर स्पेलिंग इसमें क्यू है, दो यूज हैं, तो मेरा पूरा आई थिंक स्कूलिंग में बहुत मजाक उड़ाते थे. क्या बोलते और, थे? नहीं वो दे नेवर यू रीड इट, तो दलकेर या दुलकेर या ऐसा. तो हर न्यू क्लास में जब नए टीचर आते थे वो अटेंडेंस रजिस्टर लेक्चर बी रीडिंग, और जब मेरा नाम आता था वो तो एक पॉज होता था. क्यों रखा ऐसा नाम? घर में भी यही बुलाते हैं? हाँ, या एक्चुअली दे कॉल मी चालू. चारू? आई डोंट नो व्हाई. चालू और चारू? चालू. चालू? जी. चालू बुलाते हैं आपको? उस टाइम पे नहीं समझते कि हिंदी में इसका कोई मीनिंग है. अच्छा. बस आई थिंक मदर्स के लिए कुछ भी नाम, लाइक व्हाटएवर साउंड्स क्यूट टू देम, दे विल कॉल यू. हां जी हां, ऐसा एक नाम है. ये बहुत पंजाबी में, पंजाबी फैमिलीज में ऐसे होता है. करते हैं. आपका क्या बिट्टू है ना? मैंने बताता किसी को. क्या नाम है मम्मी? टोनी. कोई और नहीं सोचा क्या आपसे? अब ही रखा था. शुक्र है टॉमी ने रख दिया. जैसे अभी दुलकर आए ना, जैसे तो मेरी टीम में से दो तीन लोग हैं, दुलकर आ गया, दुलकर. मैंने कहा मैंने तो कुछ भेजा नहीं था, क्या दुलके आ गया? हमने जोया फैक्टर का ट्रेलर देखा, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा अलग है और मजेदार है. रिलेट करते हैं लोग कि हाँ ऐसे लक फैक्टर. थैंक यू. और ये भी लग रहे हैं दुलकर भी जैसे इंडियन टीम के लिए खेलते हैं. सबने आजकल दाढ़ी रखी हुई ना, बिल्कुल आप इंडियन टीम के प्लेयर लग रहे हैं. अच्छा, ट्रेलर में आप सब लोगों ने देखा कि जैसे ये पैदा होती है, इंडियन क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत जाती है, ये किसी टीम के साथ लंच करती हैं और वो जीत ही जाती है. जब अपनी इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी जी, तब आपने इंग्लैंड के साथ लंच तो नहीं कर लिया था? मैं इंग्लैंड में थी, लंदन में, पर मेरे डैड जो है ना वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं. अच्छा जी. तो वो एक दिन के लिए वो आए सेमीफाइनल्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि यार जीत जाएंगे. तो ही टुक देयर वन डे, तो ही वेंट, ही इज लाइक सोनम बेटा अब आ जाओ, मेरा नाम जो है सोनम है, सोनम इज लकी, सो माय डैड थिंक्स आई एम वेरी लकी फॉर हिम, सो ही रियली वांटेड मी टू कम टू दिस मैच. पर मैं नहीं आई, एंड गेस व्हाट, इट रेन्ड आउट. और फिर गेस व्हाट, इसकी वजह से. हाँ, हाँ, मैं ना जाने के लिए. भारतीय क्रिकेट के जो चहेते फैंस है वो कृपया नोट करें, वो आप कुछ अलग अलग सोच रहे थे, ये वहां पे नहीं पहुंची थी. एक्चुअली दुलकर ने बहुत ही खूबसूरत ऑब्जर्वेशन की हमारी फिल्म की, कि यूजुअली जब इंडिया में लड़कियां बॉर्न होती है, जब वो पैदा होती है, तो सबको लगता है कि यार क्या हो गया. पर इस फिल्म में द फर्स्ट थिंग द फादर डज इज क्या, ये मेरी लकी चार्म है, ये मेरे लिए बड़ी. एंड आई थिंक ये एक छोटी सी चीज़ है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इस फिल्म में हैं. एंड माई डैड थॉट द सेम थिंग मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में. सो बड़ी खूबसूरत बात है एक्चुअली. अच्छा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जो दुलकर के पापा हैं वो सुपरस्टार ममूटी,
उनके लिए जोरदार तालियां एक बार। सोनम के पापा अनिल कपूर साहब को भी आप जानते हैं। अच्छा मुझे ये दोनों से जानना है, आप दोनों के पापा कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं जो इतने फिट हैं दोनों? आई थिंक हम उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक दोनों की मुछियां जो मुस्टैश है ना, सीक्रेट है। सारे जो सुपरस्टार्स अगर आप देखो ना, दे ऑल हैव अ मुस्टैश। सलमान खान जी भी जो है ना, दबंग में पहले उनकी मुस्टैश आई थी ना, डोंट यू रिमेम्बर? इट्स अ मुस्टैश। हमेशा यंग रहता है बंदा। हाँ हाँ। अर्चना जी मुछे रख लो। मुछे रख लो। मैं क्या मारूं तुझे? So mean। ये मारूं? नहीं नहीं मैं नहीं, पहले मतलब पहले रखती थी जब नई नई आई थी। अर्चना मैम आपको पता है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं सोनम के जो पापा का रोल है हाँ। वो अनिल कपूर साहब ने ही निभाया था फिल्म में भी हाँ। इस फिल्म में आपने देखा संजय कपूर साहब इनके पापा बने हुए हैं हाँ। तो हम ये मान लें कि शादी के बाद आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो आप फैमिली को फिल्मों में ही बुला रहे हैं बहाने से कि पापा इस बार आप आ जाओ, चाचा इस बार आप आ जाओ, ये चक्कर तो नहीं है ना? ऐसा कुछ ही है। अभी मैं नेक्स्ट हर्ष के साथ कुछ कर लूंगी और फिर उसके बाद रिया को बोल दूंगी एक और फिल्म प्रोड्यूस कर ले मेरे लिए, टाइम बीत जाएगा। मम्मी आपकी कुर्सी मैंने अर्चना जी के साथ लगवानी है। हम भी बैक टू बैक शूट करते हैं भाई। एक्चुअली हैट्स ऑफ हाँ, सुबह से रात तक चलता जाता है चलता जाता है, एंड यू कीप इट गोइंग हाँ, एंटरटेनमेंट एंड एनर्जी और सबको हंसाते हो, एंड इट्स वेरी गुड, माय फेवरेट शो, मैं ऐसे बोल देती हूँ। आई मीन आई लुक फॉरवर्ड टू इट, जब भी प्रमोशन का कुछ, ऐसे मुझे तो जाना है हमारे शो में, क्योंकि ये सोनम खुद इतनी क्यूट है और जो दिल में है वो जुबान पे है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सोनम फिल्म में आप क्रिकेटर के लिए लक्की साबित हो रही हैं जी, रियल लाइफ में आपके लिए कौन लक्की है? मेरे हस्बैंड। आई न्यू यू वुड से दैट। आहा शाबाश, बड़ा धर्म पत्नी वाला फर्ज निभाया तुमने पूरा। मेरे हस्बैंड लकी है, वाह। नहीं बट रियली, पर आप दोनों बड़े क्यूट लगते हैं साथ में। थैंक यू। दलकर और सोनम दोनों ही स्टार किड्स हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता बचपन में 4-5 साल की उम्र में कि एक्टिंग क्या होती है, तो आपने कभी दोनों ने सोचा नहीं ऐसे कि हमारी मम्मी तो घर पे है पापा किसके साथ लगे हुए हैं टीवी पे? कभी ऐसे दिमाग में नहीं आता था उनको देख के कि ये कौन है? आई थिंक फ्रॉम मैं समझ सकते थे कि ऐसा कुछ काम करते हैं। मेरा बेटी है वो 2 साल की है अभी, और वो वीडियोस पे मुझे देखती है, उसे लगता है कि ये जो भी अभी हमारे घर पे हैं, मेरे ग्रैंड मदर, माई मदर या स्टाफ जो भी हाँ। हमारा हेल्प है उनसे जुड़े हुए थोड़ा लाइक रिजेंबल करेंगे तो कोई टीवी पे। अच्छा, उसे लगता है कि वो लोग हैं क्योंकि हर लोगों का काम यही है कि टीवी में काम करते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे डैड करते क्या है, तो एक दो बार आई थिंक माय मॉम मेड मी सी सम फिल्म जहाँ पापा को खूब मार रहे थे कोई, एंड मुझे लगा कि एक्चुअली मार रहे, तो मैं इतना रोने लग गई, इतना मैंने हंगामा मचा दिया था, मार रहे उनको, मार रहे, ऐसे ड्रामा हो गया था, ड्रामा उधर से ही चालू था मेरा। तो मार्केट में कुछ अफवाहें हैं सोनम दुलकर आप दोनों के बारे में। उफ, नाउ दिस अब सोनम डर रही है। सोनम फर्स्ट आपसे स्टार्ट करते हैं जी। तो अफवाह ये है कि आपको बार्गेनिंग करने में मजा आता है जी, और दुकानदार जब आपको पहचान के बोलता है कि आप तो सोनम कपूर हैं, तो आप खुद को डुप्लीकेट बोल देती हैं लेकिन बार्गेनिंग करती करती हैं। ये बात सही है? नहीं, मुझे बार्गेनिंग करना बहुत पसंद है, दैट्स ट्रू। आई डोंट नो इफ यू आर मेकिंग इट अप और नॉट, पर आप बहुत करेक्ट हो, पर मैं ऐसे कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं सोनम कपूर नहीं हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई एम सोनम कपूर, डोंट चीट मी यार। अच्छी बात है, बार्गेनिंग ठीक है। दलकर आप प्रोड्यूसर से अपने पैसे निकलवाने के लिए ये बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर मुझे सारी पेमेंट एडवांस में दे दे वो फिल्म हिट होती है। आप ऐसा करते हैं? मैं एक्चुअली बार्गेनिंग में भी बहुत वीक हूँ और ये पैसे पूछने में बहुत वीक हूँ। अच्छा, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं वेरी ऑफन मैं आई थिंक पूरे फिल्म कंप्लीट करता हूँ और सम 75% जैसे कुछ मुझे मिलना बाकी होगा, पर आज तक सब लोग वेरी काइंड होते हैं, तो दे आई हैव नॉट हैड एनी इश्यूज। एक ये अफवाह है सोनम आपके बारे में कि आप एक बार 40 समोसे खा गई थी हैं? 40 समोसे? वो छोटे टाइनी टाइनी वन, वो कॉकटेल समोसे होते हैं ना, ऐसे छोटे बेबी समोसा, बेबी समोसा। फिर भी सोनम 40? हाँ, वो छोटे छोटे थे। वाह, ओके।
एक अफवाह और है सोनम आपके बारे में जी, कि आप फैशन शो में जिस ब्रांड का प्रमोशन करती हैं जी, उनसे फिर साल भर कपड़े और राशन फ्री में लेती हैं। मेरा भी फायदा होता है, उनका भी। बहुत अच्छी बात है, एक दो ब्रांड हमें भी ऐसे दिलवा दो जी। 100% दलकर, बचपन में किसी को पान खाते हुए देख के आप इतना इंप्रेस हो गए थे कि घर आके मम्मी की लिपस्टिक लगा ली थी? व्हाट? हो सकता है एक्चुअली, जब हम छोटे थे टीचर्स बहुत मेकअप करवाते थे ये स्कूल डे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस के लिए, तो बॉयज या गर्ल्स हम सबको लिपस्टिक और ये वो उधर पिंक थिंग दे पुट ब्लश। हां वो अब वो फोटोज देख के मैं बहुत लाइक एंबैरस्ड, डिस्टर्ब, आई वांट टू सी द पिक्चर्स। देखा, सोसाइटी में ऐसा होता है, इसलिए हम लोग अपने लोगों को बनाते हैं, अदरवाइज हमारा कोई दिल थोड़ी करता घाघरा चोली पहन के घूमने का। तो मार्केट में डिमांड है। सोनम, स्कूल में आप अपने नंबर बढ़वाने के लिए अपनी टीचर को ये बोलती थी कि मेरे नंबर बढ़ा दो, मैं पापा के साथ आपकी सेटिंग करा दूंगी। आए हाय, मार्केट में अफवाह है। आई एम अ वेरी मेहनती हार्ड वर्किंग गर्ल, और मेरा लक भी है ना मेरे साथ था। ओके, तो मतलब आप ऐसा नहीं करती थी? थोड़ा मैं मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी, और मार्क्स भी है ना ठीक ठाक आ जाते थे। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, एक अफवाह और भी है, कहते गवर्नमेंट ने जो सीनियर सिटीजन की एज है वो 60 साल रखी है, लेकिन सुना है आपके यहाँ 100 के बाद सफेद बाल आने शुरू होते हैं। वाओ, एब्सोल्युटली ट्रू। मेरे डैड जो सीनियर, ये तो ट्रू है, इसमें कोई अफवाह नहीं है। अब तक मतलब आई डोंट नो मेरे एज के लोगों के साथ काम कर रहे सबसे ज्यादा एनर्जी भी है, बहुत एनर्जी। वी लव यू अनिल सर, बिग फैन। डलकर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको लेडीज शूज बहुत पसंद है। क्या ये सब लिपस्टिक, लेडीज शूज, ये सब मेरे ऊपर डाल रहे हैं? व्हाट आर दे हिंटिंग एट? आई हैव नो आईडिया। नो नो, मतलब इट्स अ रूमर। आई लाइक लेडीज शूज, बट आई पिक आउट जब जब। सो नो कैरी, आई लाइक लेडीज शूज। यू हैव टू लाइक लेडीज शूज। आई लाइक ऑल शूज। ऐसे नहीं, इसके पतिदेव और उनको स्नीकर्स बहुत पसंद है, तो आई थिंक वो तो बनाते हैं, बहुत नॉलेज है मेंस शूज के बारे में, मेंस एंड वुमेन। पर सोनम, कितने जूते होंगे तुम्हारे, सैंडल्स जूते कितने होंगे? गिव मी अ रफ बॉल पार्क फिगर। आप क्यों पूछ रही कितने जोड़े हैं? बिकॉज मैं हर फुट साइज और मेरा फुट साइज कुछ करीब करीब हाँ था। हो ही नहीं सकता। कल धर्मपा जी आए, उनका हाथ रखा, अर्चना जी का बड़ा था उनसे। नहीं, धर्मपा जी का हाथ बड़ा था। नहीं नहीं नहीं, फिर लेकिन बाद में पैर मिलाया, पैर इनका बड़ा फिर निकला। दलकर, एक अफवाह ये भी है कि आपने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू इसलिए किया था ताकि आप द कपिल शर्मा शो में आ सके। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब अपने शो की प्रमोशन करते रहते हैं। बिल्कुल 100%। अरे सर, मेरा बहुत सालों का एक आई थिंक एम्बिशन है कि मैं एक दिन आपके शो पे आऊँ। आई लव यू सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और आप पूरे देश को हंसाते हैं। हम जो भी स्टेट, मैं फोन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और जिस भी स्टेट पे जाता हूँ आपके शो सब लोग देखते हैं। Oh, that's so nice. Woo! Yeah! Acho Yadav in the house. The son of Kapoor in the house. Dulquer Salman in the house. Sonam Jay. जी, मैं अच्छा यादव है, मैं लंदन से आए हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, you're a fashion diva. Thank You're you. a fashion icon. Thank you. मतलब आप खूबसूरत है, gorgeous है, outstanding है, कमाल है। आपको अब तकलीफ हो रहा होगा, पेट उतार के इधर रख दो। I get you. मैं आएंगे, लेकिन मैं बोल रहे हैं आपके सारे फिल्म मैंने देखे हैं। Oh, yeah. मेरा favorite फिल्म आपका वो वाले है, वो प्रेम पतन रधायो, प्रेम रतन धन पायो। या द सेम वन, प्रेम पतन रधायो, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम ततन तन रायो, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम ततन जन दायो, प्रेम ततन पकायो, प्रेम चंदन, प्रेम चंदन दतायो। मैं गॉप बोले PRDP Boy, PRDP, Prem Ratan Dadayo. मतलब? Prem Ratan. रहने दो यार, तुम मेरे को कभी सिखा नहीं पाओगे कि प्रेम रतन धन पायो कैसे बोलते हैं। दुलकर सलमान जी, मैं आपके पिताजी के भी बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार होना कोई मम्मूटी बात नहीं है। मैं आप में जानना चाह रहे थे,
आपकी जो पहली फिल्म आई थी कारवा, वो किसी ने बनाई थी कि ये अपने आप बन गए? क्यों अपने आप कैसे? मैं आप मुआवरा नहीं सुने हैं, मैं घर से अकेले निकला था, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गए। Actually, वो सिंह फिल्म में है, वो जो वैन है जो जिसमें हम ट्रैवल करते हैं उसमें लिखा है। लोग जुड़ते गए कारवा, देखो यार। लेकिन सोनम जी, मैं बहुत आपको लाइक करते हैं, मैं अच्छा हंसी मजाक कर रहे हैं, पर आज मैं थोड़े अपसेट है। क्यों? मैं इधर आ रहे थे मेरे मोटरसाइकिल पे बिना हेमलेट के, तो वो मेरे चालान काट दिए। वो ठीक है, मेरा गलती है, माय बैड है, चालान काटे, पर इतना भारी चालान, मेरा गुस्सा चले गए यार। गुस्सा चले गए नहीं, गुस्सा आ गया। हाँ तो आए थे थोड़ी देर बैठे फिर चले गए। गुस्सा है कोई कपूर शर्मा ना है कि एक बार बैठ गए तो बैठ ही गए। अपने जबरदस्त चार सवाल भी पूछे कि क्यों आया है, क्या है, क्या करने है, क्यों है, क्या है। गुस्से को और भी काम है ब्रो, उसको जाना पड़ती है। Anyways, लेकिन सर मैम, मैं आपके फिल्म का ट्रेलर देखे। ओह वो क्या, सॉरी। No, but really, आपके फिल्म का ट्रेलर क्या, वो बच्चे लूज मोशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जबरदस्त ट्रेलर। Yeah. You're so amazing. Oh bro, bro, actually, bro, I'm a fan, bro. I'm a fan. Yeah. Thank you. But देखे मेरा तो मजा निकल गया, मतलब क्या ट्रेलर है यार। इतना अच्छा मुझे लगे कि मेरे घर में जितना भी सोयाबीन था मैं खा गए। अबे सोयाबीन नहीं, सोयाबीन। अभी बीन सोया है कि जा गए मेरे को नहीं मालूम। मैं तो कहा गए क्योंकि मेरा पेट में बहुत जगह है। इतनी जगह है तो फार्म हाउस क्यों नहीं बनाते? ए ब्रो, ए करने क्या है इधर तुम? ये सवाल आप तुम पूछ रहे हैं? इंग्लिश में बहस करते हैं। मैं इतना देर से इधर उपस्थित है, तुम्हारा जिज्ञासा अभी निकले है? क्या हिंदी बोल रहा है? Oh my God, guys. भाई सोनम जी, मैं आपको बताई गई नहीं मैं क्यों आए हैं, मैं इनको बताई गई। प्लीज बताइए सोनम जी। हाँ, कोई जी। मुझे बोला है कि मैं कली से खिल के अब गुलाब बन गए हैं। हाँ। तो इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में शादी करने चाहते हैं। ट्रांसलेशन प्लीज। ये बोल रहे हैं कि मैं वो कच्ची कली थी। हाँ। खिल के गुलाब हो गया हूँ। अच्छा, शादी क्यों करनी है तुमको? अच्छा याद है, देखो मैं शादी जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं अपनी बीवी को मैं के बेच के अपना गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाएंगे कैसे? तो गर्लफ्रेंड बुलाना है तो शादी क्यों करनी है फिर? नहीं क्या, अभी मेरा गर्लफ्रेंड को कोई पूछता नहीं है यार। बीवी आएगा कम से कम बोलेगा कहीं एक कुलक्षण नहीं कौन है। ये मेरा घर में क्या कर रही है, फिर उसको बोलेगा तुमको ये कद्दू ही मिला था अफेयर करने के लिए। मेरा लाइफ में कुछ ड्रामा आएगा, मेरा लाइफ में ड्रामा नहीं है यार। नहीं कभी है? वो रूठेगा कभी मैं मनाएगा, कभी मैं मनाएगा कभी वो रूठेगा। दोनों बात तू वही कर रहा है, दोनों जगह बीवी रूठ रही है तुम्हारी। हाँ तो भाई तुम शादीशुदा आदमी है, तुमको पता होना चाहिए रूठने का हक खाली बीवी को ही होता है। मतलब पासपोर्ट इंडिया का हो या यूके का हो, तब सिर्फ मर्द पे ही लगते हैं। अच्छा ये सब आइडिया कहाँ से आते थे? मेरे को क्राइम पेट्रोल से आती है। बैक टू बैक 6 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देखे। अच्छा। और 7वां एपिसोड देखते तो मेरे तो हैंड्स अप हो गए, मुझे लगा खूनी मैं ही है। मैं बोल रहे हैं सर अभी टाइम आ गए, मैम सर मेरा शादी करा दो। लंदन में जाकर करना शादी फिर, इधर क्यों कर रहा है? लंदन में जरूरत नहीं है, उधर रात बहुत छोटा होता है, कट जाता है। ऐसी फालतू बातें जो कर रहा है तू, वो काम धंधा किया कर, अपने आप शादी हो जाएगी तेरी। काम वाम मेरे को करने का जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं लंदन में बहुत ही तब कब आदमी है। तब कब क्या होता मतलब है? तब मतलब देन, कब मतलब वैन। मैं बहुत ही देन वैन आदमी है वहां पे। देन वैन नहीं, धनवान। धनवान तुम कंफ्यूज हो रहे, तुम रिच बोल दो, रिच। रिच तुमके लिए आसान है। तुम क्यों नहीं बोला फिर रिच? मैं बोल सकते, मैं क्यों बोलेंगे, मैं तुमको कंफ्यूज करने तो आए।
पर मैं बताते हैं लंदन में मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस है. कौन से बिजनेस? उसमें से एक मेरा बिजनेस है जिसमें मैं कपूर्स को अहूजा बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं? मैं उनका शादी करा के. ऑब्वियस है लेकिन मेरा दिल्ली ख्वाहिश था दोस्त के एक पादुकोण को भी मैं शर्मा बनाते. पर ऐसा हो नहीं पाए. मैं तुम्हारा जले पे नमक छिड़के तुमको खारा खारा लगे. लगे सीधा सीधा बोला करा मैरिज ब्यूरो का काम है. पहले बताओ खारा खारा लगे. लगे ना? थोड़ा थोड़ा लगे. थोड़ा लगे हाँ. तू बताना सीधा सीधा मैरिज ब्यूरो का काम. मैं सीधा सीधा कुछ भी क्यों बताओ? तुम कुछ सीधा सीधा बताते हैं? इधर बैठते हैं अगर सीधा सीधा बोल रहे हैं बोल सकते हैं कि दस हो या फैक्टर ये डेट को आ रहे हैं आप लोग प्लीज थिएटर में जाइए देखिए. सीधा बात बोलते हैं आप डेढ़ घंटा घुमा घुमा के वो ये बात बोलते हैं. अपना मोबाइल उठाओ तुम्हारा लैंडलाइन बज रहा है. मेरा फोन आ रही है. मैं बहुत अमीर आदमी है. वेरी रिच. हाँ तो पूरी पैंट पहना करो फिर. एंजेलिना जोली के फोन आए मुझे. मैं बहुत पहचान है. हेलो एंजेलिना जोली. देखो मैं बहुत टाइम से जानने चाह रहे थे कि जोली के पीछे क्या है. ओह मतलब जोली ही पीछे है एंजेलिना आगे है. हम लोग गलत समझ रहे थे जोली पीछे एंजेलिना. ओके 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 माय बैड. लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखो वो एक ना एक दिन सबका जोली बढ़ता है. तुम्हारा जोली भी बढ़ेगा. एनीवे यू आर अ जोली गुड फेला. ओके मैं अभी फोन काट रहे हैं. मैम श्योर अभी मेरे को जाने होंगे. थैंक यू लव यू गाइस. थैंक यू. अच्छा जी आपको पता है जोया फैक्टर के जो कुछ पोस्टर्स हैं उसमें जोया जो कैरेक्टर है उसके नाम के साथ ना नींबू मिर्ची भी टंगे हुए हैं जी. कितना अच्छा लगता है नींबू मिर्ची खुश होते हैं ना. सोनम कपूर ने टांगा है. आप बिलीव करती हैं इन चीजों में? जी 100% मैं इंडियन हूँ. मतलब इंडिया में रह के अगर आप थोड़े से सुपरस्टिशियस या थोड़े से रिलीजियस या थोड़े से एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या पत्री या इसमें बिलीव नहीं करोगे तो मतलब तो मजा चला जाता है ना लाइफ का. पर आप ऐसा मानते हैं कि कोई इंसान किसी के लिए लकी हो सकता है या अनलकी हो सकता है? पॉसिबली सर क्योंकि मेरा शादी और मेरा पहला फिल्म सब एक ही महीने में होता. अच्छा वाओ मतलब ये मानते हैं. अर्चना जी आप कभी टोटका वगैरह करते हैं कोई? तो सिद्धू जी को कैसे गायब किया? बिना मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा लकी अनलकी फैक्टर जो है वो होता है. जी 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 मैडम. हेलो कपिल. हेलो मैम कैसी हैं आप? फाइन. कोई बात करो. कहाँ से हैं आप? हाँ मुंबई से. अच्छा कितने दिन लगते हैं? मुंबई में कहाँ से आई आप? मरीन लाइंस. अच्छा अमीर एरिया. 50,000 पे स्क्वायर फीट. हाँ जी आपने नाम नहीं बताया अपना. मेरा नाम पुष्पा सोनी. पुष्पा सोनी वाओ. आप दूसरे चैनल पे जा सकती हैं. पुष्पा जी कितना स्माइलिंग फेस है ना. सो स्वीट. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगी इनके हाथ में फूल आ जाएगा. जी पुष्पा जी क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी चाम है. अच्छा जी कैसे? मतलब हमारे घर की डील हो रही थी. अच्छा जी. जब भी जस्ट डील होने वाली थी पर एकदम से सामने वाली पार्टी को कॉल आया कि अभी डील नहीं हो सकती है. अच्छा जी. तो पेमेंट पड़ा ही था उधर. फिर मेरा बेटा जब भी 6 मंथ का था तो उसने खेलते खेलते उस पर सुसु कर लिया. किस पे? पेमेंट पे. पेमेंट पे. फिर हमने वही नोटों को थोड़ा थोड़ा सुखा के थैली में भर के फिर अचानक तो जिसने गिने होंगे ऐसे ऐसे करके. सॉरी मैं क्या करूं माहौल ऐसा था मैंने थोड़ी कुछ बोला. अच्छा आपका बच्चा अपने आप कर देता था? कई बच्चे तो रहते हैं उससे उनको तब वो उनका शुरू होता है. वो बेचारा अभी
एम्बैरस हो रहा होगा कि मम्मी क्या बातें कर रही है. कोई बात नहीं, सबने किया बचपन में. फिर उसने सुसु किया, बाद में कॉल आया सामने से कि हम लोग डील के लिए आ रहे हैं. अच्छा. उस दिन से हम लोग उसको लकी चार्म मानने लगे. वाह. यार मेरे ना एक दोस्त हैं. उनका ऑफिस ना बिक नहीं रहा. अब इससे क्या करवाएगा? तो आप आगे थोड़ा सा. पर बड़ा अच्छा लगा आप ऐसा सोचते हैं. माँ को वैसे अपने बच्चे इतने प्यारे होते ना. हालांकि इसके सुसु की वजह से नहीं डील हुई. हुई तो वैसे ही होनी थी. पर ये आपका प्यार है, आपकी ममता है. धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? जी मैम. हाय मंजू. मंजू कितनी एकदम तैयार है, पूरी सूट वूट पूरा दुपट्टा. बाहर ड्रायर हुए, ब्लो ड्रायर. इतनी तारीफ कम नहीं लगी, फिर ऐसे कर दिया क्या? हेलो. मैं अंजलि, मेरा नाम है. मैं बनारस से आई हूँ. अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता. आज क्या हो गया इसको? जी अंजलि, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है. अच्छा जी. मुझे लगता है मैं जिसकी लाइफ में जाती हूँ, हाँ जी, उसके लिए पनौती हो जाती हूँ. यहाँ पे कब से बैठी हुई हैं आप? ओहो, हमारा तीसरी बार शुरू हुआ है. ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एंगेजमेंट में इनवाइट नहीं किया, तो उनकी एंगेजमेंट अच्छी हो गई सब. अच्छा. बढ़िया से उन्होंने शादी के लिए इनवाइट किया. एक महीने बाद पता चला उनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब कैंसिल हो गया. आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी ना हुआ होगा? जी ऐसा लग रहा है. No. हाँ. ऐसा नहीं सोचिए, मुझे बुरा लग रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो. पर आप इतनी प्यारी हैं, आप इतना पॉजिटिव आपका ऑरा है, तो हाँ ऐसा नहीं हो सकता. वो वैसे ही टूट गई होगी उनकी. हाँ, जो भी था. और हाँ, आपकी होगी शादी? नहीं अभी नहीं हुई है. कभी होगी. जब भी आप लड़का ढूंढ देंगे तभी कर लेंगे. लड़का गुम गुम कहाँ हुआ है? नहीं ढूंढ लेंगे मेरे लिए. अच्छा, कैसा लड़का चाहिए? आपके जैसा. एक्चुअली आप मुझे बहुत पसंद हो. मैं क्या जब टीवी ऑन करती हूँ ना, तो आपका ही शो देखती हूँ. मम्मी मेरी चिल्लाने लगती है. मम्मी क्यों चिल्लाती हैं? अरे दिन भर आपके रिपीट कर शो देखती रहती हूँ ना मैं. आपकी मम्मी है बैठी हुई जो? हाँ, ये मम्मी है, पापा है, ये बुआ है मेरी. मम्मी के साथ क्या हाल है सर? मैं सुबह उठती हूँ ना तो लोग गाने सुनते हैं. हाँ. मैं सोनी खोल के आपके शो देखने लगती हूँ. सो स्वीट. देखो आप मेरे लिए कितना लकी, आप हमारा शो देखते हैं. टच वुड इतना प्यार मिल रहा है शो को, अच्छी रेटिंग्स आती हैं. कैन आई कम देयर एंड हग यू? थैंक यू सो मच. थैंक यू, गॉड ब्लेस. थैंक यू. आइए बैठिए. इनको माइक दे दो. आप इनके साथ आए? नहीं सर, हम अकेले. ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे फिर? सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका. शुक्रिया सर, धन्यवाद. अयोध्या जी से आया हूँ. अच्छा वाह, अयोध्या से. और एक मैंने गाना आपके ऊपर बनाया है. अच्छा जी, आपका खुद का लिखा हुआ? जी मेरा लिखा हुआ. अच्छा जी, और कंपोज भी आपने किया? जी जी. वाह. हाँ जी सर, सुनाइए प्लीज. अरे जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता. बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता. कपिल शर्मा जी पूरे देश को हंसाते हैं, पर अर्चना जी से आप मीठी डांट खाते हैं. और इनका देख के डर लागे, ये पहलवान लागता, ब्यूटीफुल जवान लागता, बुढ़िया ब्यूटीफुल जवान लागता. क्या बात है, बड़ी मजेदार लाइन लिखी आपने. थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया आपने. शुक्रिया, धन्यवाद. बैठिए जी. और कोई हमारे मेहमान दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हेलो सर, हाय. कपिल सर, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी की लाइफ में कोई इंसान है उसका लकी चाम हो. जी. किसी की लाइफ में कोई पेट भी होता है उसका लकी चाम. बिल्कुल. तो मेरी लाइफ में मेरा लकी चाम एक पड़ोसी का पेट है, एक डॉगी है, उसका नाम स्कूबी है. अच्छा. तो जब भी मैं फैक्ट्री से निकलता हूँ तो बाई चांस मेरे को दिख जाता है, तो मेरा काम बन जाता है. मेरा होजरी का काम है,
तो दो तीन बार ऐसा हुआ कि मैं निकला तो मेरे को दिखा नहीं वो, तो मेरी पेमेंट मेरे को मिली नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहाँ है यार तेरे को मिलना है, अब किसी बहाने से जाना था उसकी फैक्ट्री, उसको बताना तो है नहीं कि मैं तेरे डॉगी को देखने जा रहा हूँ। अच्छा। तो कहता क्या काम है, मैं कह नहीं यार चाय पीनी तेरे साथ। कहता आ जा। मैं गया देखने उसको, चलो देखा डॉगी को भी देख लिया, मैं निकल गया पेमेंट लेने फिर से मार्केट। तो मेरे को मेरी पुरानी रुकी पेमेंट भी मिल गई। अरे ये सही है। बड़ी क्यूट स्टोरी सुनाई आपने। कहाँ से आए आप? लुधियाना से, पंजाब। अच्छा जी, आए लुधियाना, हौजरी का बड़ा काम है एक्चुअली। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो कृष्णा मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? गुड सर। सर मेरे लकी चाम माय सिस्टर है, ये मेरे साथ में बैठी है। हाय, हेलो। आज जो मैं बना हूँ, जो भी हूँ, मैं सब इनकी वजह से हूँ। क्या बात। मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं MBA की तैयारी कर रहा था, पर मेरे बिना पता है या बिना वो कि इन्होंने मेरे मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन के लिए मेरा इन्होंने फॉर्म भर दिया। अच्छा जी। अब उसमें सबसे बड़ा कमाल ये कि ये क्या फॉर्म जो भरा उसमें साइन भी इन्होंने किया। ओहो, अच्छा। अच्छा। अब ये ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड से अगर करे चाहें तो मेरा साइन कर लेती है। अच्छा। राइट से अपना करती है, लेफ्ट से मेरा कर लेती है। वाओ। यहाँ तक कि दो बार चेक पे किया और चेक भी बाउंस नहीं हुआ, दोनों पास हो गए। अच्छी बात है, इतना प्यार है आपका। आपकी शादी हो गई? यस सर, बीवी बैठी है वहाँ पर। अच्छा, क्या हाल है मैम? इनको पता है कि आपकी चेकबुक पे साइन कर देती है सिस्टर? मालूम है सर। अच्छा, फिर भी कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं। देवता फैमिली है आपकी। नहीं सर, हम मैं और दीदी शॉपिंग के लिए साथ में जाते हैं। अच्छा, आप और दीदी साथ में? तो भाई साहब बात मेरे समझ में आ गई। क्या? ये चेक साइन हो रहे हैं उनकी वजह से। साइन ये कर रही हैं, करवा हो रही हैं। आपके साथ छल हो रहा है। उन्होंने खुद कबूल किया है, मैं और दीदी साथ में जाते हैं। सर कमाते किन के लिए? बस बस बैठिए बैठिए, धन्यवाद। दुलकर आप मैरिड हैं, जैसे आपने बताया कि पहली फिल्म जब आई आप उसी समय आपकी शादी हुई जी। ऐसे मतलब पहले शादी करके फिल्म क्यों की आपने? वाइफ ने मना किया था कि नहीं पहले शादी करो? उनको ऐसा शक था कि उस टाइम पे कोई प्लान भी नहीं था मेरा। अच्छा। उस समय मैंने उसे बोला था कि मुझे यही इच्छा है कि मैं एक फिल्म में एक्ट करूँ और एटलीस्ट एक फिल्म में डायरेक्ट करूँ समटाइम। ओके। तो उसने बोला हाँ ठीक है, एक ही तो फिल्म है, सो इट्स फाइन। उन्होंने बाद में कहा ना कि आप तो अभी बैक टू बैक कर रहे हैं काम। अभी तो मैं हमेशा हमेशा घर पे नहीं हूँ, मैं फुल टाइम शूट कर रहा हूँ। बट बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत मेरा बहुत सपोर्टिव है तो अभी। बट मेरा बेबी है घर पे। अच्छा। तो अब थोड़ा मुश्किल है काम पे जाना। That's so sweet, guys. कपिल सीख रहा है, सीख इनसे क्या कैसे। नहीं, मेरे को ये जानना है जैसे बेबी होने के बाद वाइफ शक करना छोड़ देती है। अच्छा, मैंने सोनम के बारे में सुना है कि ये ना बचपन में एक इन्होंने पोएम लिखी थी, उसका नाम था एम्बिशन, और ये चाहती थी कि जिससे इनकी शादी हो ये पोएम उनको पढ़ाएं ताकि उनको पता चले कि लाइफ में ये किस तरीके से जीना चाहती रहना चाहती हैं। ये सच है सोनम जी? किसने रिसर्च किया ये? वी हैव वेरी बिग टीम ऑफ वन पर्सन। जी ये सही बात है। पढ़ाई फिर आपने आहूजा साहब को? थोड़ी। अच्छा, आपने क्या लिखा था पोएम में? जब मैं 15 या 16 साल की थी और मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, तब मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। तो तब मैंने कहा कि मैं चलो पोइट्री लिखती हूँ, और तब मुझे सोच आया कि ये मेरी एम्बिशन क्या है लाइफ में, मुझे क्या लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, तो वो लिखा था मैंने पोएम। देखा, इंटेलेक्चुअल बच्चे पढ़े लिखे 16 साल की उम्र में इतना सोचते हैं, हमें 30 तक आखिरी पता चला जाना किधर, ऑडिशन किधर देना है। अर्चना जी ने तो करियर ही 50 से शुरू किया था। अर्चना जी ने भी पोएम लिखी थी एक परमीत के लिए, पता है? मेरे को याद है, धुंधली सी। ए परमीत, हाँ शाम तक अगर 1 लाख का इंतजाम ना हो गर्दन मरोड़ दूंगी। इनको मैंने बताया, मैंने कहा ये पोएम नहीं है, धमकी होती है। मैंने ऐसा सुना है अर्चना जी कि सोनम ऐसा फील करती हैं कि जब ये कॉमेडी फिल्म करती हैं तो इनको लगता है ये अपना बेस्ट देती हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमारे शो पे कब आ रही हैं? हम ना थक गए नकली लड़कियों को देख देख के। हमारे शो पे एक ही असली लड़की है, अर्चना जी आपको पता ही है भूरी। आपको पता मेरी शादी में ना मेरे दिल्ली वाले ताऊ जी लेट हो गए थोड़ा। हाँ। तो ये मूछ लगा के खड़ी हो गई वहाँ पे। कहती मैं लड़के का ताऊ। मिलनी करानी थी ना मैंने। हाँ, पैसे कहती, मुझे 2 कंबल और 101 रुपया।
little girl, myself, Bhuri. Hi. How are you? Very well. वो सब ठीक है, तू क्यों मोगली की मंगेतर बन के घूम रही है? अब खुद की नजर बगीरा जैसी हो तो बाकी सब मोगली लगेंगे। हाय हाय। By the way, this is my Cannes festival look. Oh, okay. Cannes festival look. अभी थोड़ी देर बाद ये जुहू बीच पे जाएगी, 10-10 रुपए लेकर लोगों के कानों में से मैल निकालेगी। हाँ तो कान से मैल ही निकल जाए, गरम मसाला नहीं। जी। But anyways, कपूर थोड़ा सा तो अपना fashion sense develop कर लो, please. इसका ऐसे ही सुनो, उस दिन बाहर बारिश हो रही थी, कीचड़ में गिर गई, खड़ी हो कहती दिस इज माय वेट लुक। उस दिन किसी का साइकिल चुराती पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ लिया, कहती दिस इज माय स्पोर्ट्स लुक। मैं कहा ऐसे किसकी स्पोर्ट्स लुक होती है सर? हाँ तो तुम मत देखो ना मेरी लुक्स, तुम क्यों देखते हो मेरी लुक्स? मैं तुमको बोला है देखने के लिए, नहीं ना तुम मत देखो। सोनम जी, फेरिस आनंद जी जो वो क्यों नहीं आए? क्या तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ऊर्जा साहब जीजू ऐसी साली हो ना, जीजा सालों को छेड़ना शुरू कर दे। सोनम बस 2 मिनट और, उसके बाद चली जाती है। ऐसे आती है कभी कभी, शो को नजर नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, सोमालिया की तोती लग रही है ये। वैसे कप्पू भूलो मत, इन्हीं 2-2 मिनटों से ना ये शो चलता आ रहा है कितने सालों से। ओके इतना कपड़ा जो तूने उधर जो वेस्ट किया है, ये छुपा लेती, हड्डियां निकली तेरी। क्यों तुम्हें जेलिसी हो रही क्योंकि तुम्हारी हड्डियां नहीं दिख रही? तुमको ना मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं है एक्चुअली कपूर, पता है? अब देखो साउथ से अब प्रभास ने हिंदी फिल्म की, फिर सुदीप सर ने फिल्म की, अब फिल्कर इज हियर। पता है क्यों? क्यों? ताकि तुम्हारे शो में प्रमोशन के चक्कर में भूरी की अदाएं दिख पाए। फैबुलस, क्या कॉन्फिडेंस है आप में, हाँ मानना पड़ेगा। सही बोला सोनम ने, कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस? लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। मुझे पता है तेरी अदाएं, तुझसे अच्छा मैं दास दादा को साड़ी पहना तो ज्यादा सेक्सी लगते हैं। क्या हाल बनाया तूने, तेरा सर पंखे में आ गया था। देखो मेरे इस ग्लैमर लुक को देख के ना लोगों को लगने लगा कि मैं ही सोनम कपूर हूँ। ओह गुड गॉड, सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, अनिल सर देख के मुझे कंफ्यूज हो गए खुद। मुझे तो उन्हें अपनी आईडी दिखानी पड़ी, तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मैं तो भूरी ही हूँ। आईडी, यू आर लुकिंग बेटर देन मी सोनम। आई एम लविंग यू, इट्स अमेजिंग। ये जो बातें कर रही है ना, शो शुरू होने से पहले मैंने कहा था ना कि एक लड़की है जिसका इलाज कराना है। लंदन में तो होगा ही कोई ना कोई ऐसे लोगों का इलाज करने वाला कि नहीं? हाँ इंडिया में थोड़ी कमी है। हो जाएगा तेरे को। पर मैं लग रही हूँ ना आप जैसी? हाँ 100% ग्रीन इज माय फेवरेट कलर। चला गया। अरे मुझे कोई रोको तो सही, मुझे क्या पता कि कहाँ जाना है। मुझे बॉलीवुड ने नहीं रोका, मैं सीधा हॉलीवुड पहुंच गया। बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, अनिल कपूर को कोई भी नहीं रोक सकता। कपिल दिना दिन धा सर, धा। सलमान दिना दिन धा, सोनम दिना दिन धा, ओके अर्चना सिद्धू किद्धा। मैं तो बोलता हूँ सिद्धू आए थे तो अर्चना दिना दिन था। अरे सर कैसे हैं आप? मैं जवान हूँ तू अपना देख ले। मैं तो इतना जवान हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने खुद का बेबी शावर रखा था। सलमान पहली बार शो पर आए हैं। जी सर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। जी सर। के सलमान भाई ने ये शो प्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया। आप सोच रहे होंगे मैंने आपकी बात नहीं की, क्योंकि चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है। अंदर से तो कृष्णा ही हूं ना, प्रोड्यूसर की चापलूसी करूंगा। और मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है, चापलूसी प्लस टैलेंट इज इक्वल टू स्टारडम। आपको बताया अर्चना जी का भी सेम है। क्या? रिक्वेस्ट प्लस हाथ जोड़ना
प्लस कुर्सी छीनना इज इक्वल टू इनकम. और चना अब तक चना चना रहेगी, कभी तो सिंह नाना बन. हाय अनिल सर. अरे अरे हट. अरे सर आप इसको हट बोल रहे हैं, वो अपने आपको सोनम कपूर बोल रही थी. सोनम कपूर? हाँ. अबे तो कपूर नहीं तो खजूर है, खजूर. कपूर की जो डब्बी होती है ना वो भी तुझसे ज्यादा बड़ी होती है, समझी? अर्चना मैम मैं लग रही हूँ ना? उनको क्या बोल रही है, वो खुद लौटिया पठान लग रही है उधर बाइक. समझी गोंडिया? गोंडिया देखिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ. तू लिहाज नहीं अपना इलाज कर. तू रोज सुबह उठ और सोने से पहले दो बार ऐसा करेगी तो ठीक हो जाएगी, समझी? झापड़ी की. ये झापड़ी क्या होता है? हाँ तू कौन सा बांड्रा के बंगले से आई है, झापरपट्टी की कटरीना कैफ? एक सेकंड, मैं जो भी हूँ आपसे मतलब, और अगर लोगों को लगे तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है ना. इससे पहले चील तुझे मार दे तू घर जाके चील मार. ओह गॉड. हाँ मखा मेरी बेटी से कंपैरिजन कर रही है. कहाँ ये जोया फैक्टर और तू गांव का ट्रैक्टर. सर हम पता है क्या, ये दोनों लड़के ना जेलस है मुझसे और कुछ नहीं. ये दोनों आज सटे आ गए कंप्लीटली. पता है सोनम जी, हमारे ना कुछ मिलती जुलती शौकिया है. जैसे आपको पर्स कलेक्शन का शौक है. हाँ जी. मुझे भी बहुत ज्यादा. आई लव पर्सेस. शकल देखो इसका, लव पर्सेस. वो तो पर्स जैसा मुंह है तेरा, लव पर्सेस. कहाँ सोनम 2.5-2.5 लाख के पर्स खरीदती है और ये मलाड स्टेशन पे 250-250 रुपए के लिए लोगों के पर्स चुराती है. नहीं बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए देखिए, हमारे कॉलेज में रैंप शो होता है, वहाँ मैं शो स्टॉपर बनती हूँ. हाँ शो स्टॉपर तो यह है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब भी शो में इसकी एंट्री होती है ना सोनी साहब कहते हैं शो को यहीं स्टॉप कर दो. शो स्टॉपर तो है. Very mean. Yeah. I like mean people. हमें मजा आ रहा है. बेटा फिल्म से इंडस्ट्री में नाम कमाया है और यहाँ पे इंडस्ट्री में भांजा भांजा करके कमा रहा है, सबको पता है. पर्सनल पर्सनल हो गई. पर्सनल हो गई. पर्सनल हूँ मैं भांजा. तेरे मामा को इतना दर्द क्यों हो रहा है? 1 2 4 4 2 1 5 2 8 6 ये मेरा मोबाइल नंबर है, उखाड़ ले. उखाड़ ले जो उखाड़ना है. कपूर कुछ बोलो, मेरी साइड लो. Same to you. Okay. कपूर, ये आज का नया लौंडा अभी-अभी आया है. 6 साल पुरानी पार्टनर मैं हूँ, मेरी साइड लो. सुनो. बोलो. Right, then left, again right. ये क्या है? तुम्हारी एग्जिट है इधर. चलो. तुम सबने मेरी खूबसूरती से जलते हो. I just know it. सोनम दुलकर मैं ना आपसे ना बाहर मिलूंगी अलग से. ये दोनों ना तुम दोनों को मैं बाद में देखूंगी. I hate you. सुनो. ओके नकली अनिल सर आप भी जाइए. एक मिनट मुझे बेटी से बात करनी है. सोनम I just wanna tell you one thing before going. इधर एक सपना ब्यूटी पार्लर है जी. देख सकती हूँ. वो सपना नाम की लड़की कमाल कर रही है. उसके पास मसाज जरूर करवाना. अच्छा. उसके पास अलग अलग टाइप का मसाज है. जैसे 1 2 का 4 4 2 का 1 मसाज. इसमें क्या है? इसमें क्या 1 आता है. हाँ. पहले 2 का मसाज करता है. अच्छा.
फिर 2-4 का मसाज करते हैं, फिर वो 4-2 का मसाज करता है। अच्छा, और वो 2-1 का मसाज करता है। 4-2 का 1, 1-2 का 4, 4-2 का 1। हमारा दूसरा मसाज है प्रेम रतन धन पायो मसाज। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, हाँ, फिर प्रेम और रतन आके मसाज करते हैं और मसाज के बाद वो धन पाते हैं। मतलब तो क्या, एक बार सोनम और दुलकर के लिए जोरदार तालियां आइए प्लीज। सॉरी, बताना मत अनिल सर को जाके। हमारा ऐसे ही हमारा चलता रहता है, ठीक है, बस ये सब कर करके गाड़ियां ले ली सबने। जोया फैक्ट्री मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, बहुत ही मजेदार फिल्म है, बहुत ही फनी फिल्म है। यू सर्टिफिकेट मिला है तो आप पूरे फैमिली के साथ जा सकते हैं।